दोस्तों, नौकरी जंक्शन से अशोक शर्मा आइए बायोलॉजी की तरफ से फिर सुपर 30 क्वेश्चंस आपके लिए मौजूद हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 1। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एमिनो अम्लों का बहुलक है। देखो, आप सब जानते हैं एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, इसलिए एमिनो अम्ल का बहुलक कौन कहलाएगा? तो आपका जवाब होगा प्रोटीन। वेलकम जतन सिंह, अरविंद, यश राज, मनीष। प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है प्रोटीन। नेक्स्ट। गुड इवनिंग राहुल। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूक्लिक अम्ल आप जानते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का एकलक है, आपने आपने पढ़ा है। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए आप पढ़ते थे। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल है। अब वो पूछ रहा है आपसे कि न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए आरएनए का निर्माण जिस यूनिट से होता है वो कौन सी है? तो आप क्वेश्चन के ऑप्शंस आराम से देखें। न्यूमोटाइसिन, न्यूक्लियोटाइड, ग्लूकोसाइड, प्रोटीन। मैं समझता हूं दोस्तों, न्यूक्लियोटाइड इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड मनीष, दिनेश, पंकज, वेलकम वेलकम। पंकज रावत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जतन सिंह, न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो आप जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। मनुष्य के दांत के लिए असत्य कथन है। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, गर्त दंती, विषम दंती, बहुवार दंती, द्विवार दंती। तो जो हमारे नवीन गुप्ता, इधर देखें आप क्वेश्चन नंबर 3 को। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, लेकिन जवाब आप गलत दे रहे हैं। अभी जल्दी कर रहे हैं आप, बहुत जल्दी। आराम से ऑप्शन देखें आप। गर्त दंती, बिल्कुल हमारे जो दांत हैं वो गर्त में, मसूड़ों के अंदर जो गड्ढा होता है उस पिट के अंदर हमारे दांत फिट रहते हैं। हमारे दांत गर्त दंती हैं। विषम दंती, बिल्कुल हमारे मुंह में जो दांत हैं वो 32 दांत वो एक जैसे नहीं है, चार प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, विषम दंती हैं। द्विवार दंती, बिल्कुल सही है कि हमारे दांत जीवन में 2 बार आने हैं। पहली बार बचपन में आते हैं, जिनको आप कहते हो अस्थायी दांत, और फिर बाद में 10-12 साल की उम्र में अस्थायी दांत गिरते हैं, फिर परमानेंट आ जाते हैं आपके। तो डी ऑप्शन जो है वो गलत है। बहुवार दंती, बहुवार दंती मेरे पास लो, आंसर लगाया जाए डी, बहुवार दंती। बहुवार दंती इज ए डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। दांतों पे ही चल रहा है आपका क्वेश्चन, आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। भोजन को काटने में कौन सा दांत काम में आता है? भोजन को काटने में। ओके वेलकम दोस्तों। भोजन को काटने में आप देख रहे हैं, आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन्स। जी मुझे याद है, रेलवे में क्वेश्चन था कि रामू सेब को काटने के लिए कौन से दांत काम में लेगा? विजय सिंह, जय हिंद। फौजी स्पीकिंग, जय हिंद। सभी को जय हिंद। आइए, भोजन को काटने में कौन सा दांत काम में लिया जाता है? तो आप देख पा रहे हैं डी ऑप्शन देखें आप, कैनाइन्स, जिनको आप कहते हैं रदनक, ये चीर फाड़ करते हैं। अगर आप बी मॉलर देखेंगे तो ये बड़ी दाढ़ है, भोजन को चबाएगी। प्रीमोलर छोटी दांत है, भोजन को चबाती है। तो सी ऑप्शन जो आपका है वो आंसर है, इनसाइजर, कृंतक दांत, ये भोजन को काटने के काम आते हैं, इनसाइजर। ओके, बहुत बहुत थैंक यू सभी को। वेरी गुड।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। जी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है राजू मीना, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। मनुष्य में कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? सुरेश जी राम राम। देखिए आप, मनुष्य में कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? आप सब जानते हैं सुरेश मीना, राधे राधे। आप तो वहां देखें मनुष्य में कैरोटीन, कैरोटीन आप जानते हैं गाजर में कैरोटीन होता है, गाय के दूध में कैरोटीन होता है। अब आप गाजर खाते हो या गाय का दूध ले रहे हो तो उसमें कैरोटीन है, और कैरोटीन का को विटामिन ए में कहां बदला जाएगा हमारे शरीर में? तो ऑप्शन देखें आप, ए यकृत, ये सही आंसर है। यकृत में कैरोटीन को विटामिन ए में चेंज किया जाता है, ये काम यकृत करता है। ओके वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर सिक्स पिंटू जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखें अब आप। इस फिग्मो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? आप भी जानते हैं इस फिग्मो मैनोमीटर, आप सबने देखा, और है जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो इस फिग्मो मैनोमीटर एक डिब्बा लेके बैठा रहता है, वो डिब्बा आप जानते हैं इस फिग्मो मैनोमीटर क्या मापेगा? ओके दीपक पंडित, क्या मापेगा? तो आपके ऑप्शन है नब्ज, रक्त की मात्रा, हृदय की धड़कन, और डी ऑप्शन ध्यान से देखें सभी, डी। ओके रुधिर दाब, यानी इस फिग्मो मैनोमीटर हमारा ब्लड प्रेशर मापने के काम आता है, ब्लड प्रेशर। देखो इससे पहले वाले जो हमारे सुपर 30 क्वेश्चन है आप उनमें भी देखें, इनसे मिलते जुलते अच्छे क्वेश्चन हमारे पिछले पेपर्स में भी हैं। तो आप हमारे पुराने जो पेपर आपके चैनल नौकरी जंक्शन पर मौजूद हैं, आपके लिए सभी के लिए उपलब्ध है, तो वहां पुराने पेपर भी देखें, उनमें इनसे मिलते जुलते हुए क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। आइए 7वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। विलियम हार्वे किस खोज से संबंधित है? विलियम हार्वे की बात कर रहे हैं, विलियम हार्वे आप भी जानते हो, ऑप्शन दे रखे हैं श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, रक्त समूह। सॉरी मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन आइए 7वें में विलियम हार्वे, आप जानते हैं विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो आप ये एबीसीडी मत करिए दोस्तों, केदार जी रक्त परिसंचरण, ओके विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण से संबंधित है। हमारा चौथा ऑप्शन रिपीट हो गया था इसलिए वो मिस्टेक कर गया वहां पर, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, एसएससी में था। वक्ष गुहा वे उदर गुहा को विभाजित करने वाली संरचना है। ओके जतन सिंह, वक्ष गुहा वे उदर गुहा को विभाजित करने वाली संरचना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा। आप भी जानते हो साधारण भाषा में आप छाती वाले हिस्से को कहते हो वक्ष गुहा, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं उदर गुहा। तो अब प्रश्न है कि वक्ष गुहा और उदर गुहा को विभाजित करने वाली संरचना कौन सी है? बहुत अच्छा, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, डायफ्राम, सी डायफ्राम एक मांसल संरचना है, और आप जानते हैं इसके ऊपर का भाग वक्ष गुहा और इसके नीचे का भाग उदर गुहा कहलाता है डायफ्राम। ओके थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 9 आप आराम से जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को प्रभावित करता है? तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, पर्वत रोग, ब्लैक फुट, एथलीट फुट, टाइफाइड। ओके आराम से देख लें आप, फेफड़ों को कौन प्रभावित करेगा?
आप सब जानते हैं, मैं टाइफाइड की बात करूं तो टाइफाइड हमारी आंतों को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को, इसलिए फेफड़े का कोई मतलब ही नहीं टाइफाइड को। एथलीट फुट पैरों में होने वाली बीमारी है, लंग से कोई मतलब नहीं है। ब्लैक फुट ये भी आप जानते हैं पैरों से संबंधित है, आर्सेनिक के कारण होती है, इसको भी लंग से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों ऑप्शन है ए, ए किसी ने भी ए नहीं लगाया। पिंटू कुमार वेरी गुड। ए पर्वत रोग, आप भी जानते हैं जब मैदानों में रहने वाले लोग ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां एक शिकायत होती है सांस फूलने की, घबराहट, चक्कर, बेचैनी, इसी को कहते हैं पर्वत रोग। ओके, फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग पर्वत रोग। 10वां क्वेश्चन देखें आप, 10वां, ब्लड को साफ कर रहा है, लाखन सिंह मीना क्या लिखते हैं, आइए। ओके ओके बेटा लाखन, अब आप देखिए 10वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन भी इसको पूछ रहे थे। अब ये आपके सामने स्क्रीन पर है, लॉक करें आप भी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कैंसर महिलाओं को नहीं होता है, कौन सा कैंसर महिलाओं को नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वेरी गुड, आप देखें। प्रोस्टेट कैंसर, यूट्रस कैंसर, मुख कैंसर और स्तन कैंसर। स्तन कैंसर तो आप जानते हैं महिलाओं को होने वाला प्रमुख कैंसर है, मुख कैंसर महिलाओं को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है। यूट्रस कैंसर महिलाओं को तो होएगा ही, क्योंकि यूट्रस महिलाओं में ही पाया जाता है, गर्भाशय, तो महिलाओं का कैंसर है ही ये भी। प्रोस्टेट कैंसर महिलाओं को कभी नहीं होता, ए ऑप्शन लगाया जाए, ए प्रोस्टेट कैंसर, क्योंकि आप जानते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि नरों में पाई जाती है, नरों में, मादाओं में नहीं पाई जाती है। जतन सिंह आप पूछ रहे हैं पर्वत रोग क्या है सर, सर मैं जब बोल रहा था तो आप शायद कुछ लिखने में लग गए थे, मैं फिर बोलूं, जब कोई मैदानों में रहने वाला व्यक्ति ऊंचे पहाड़ों पर जाता है तो चूंकि हमारे लंग्स की कैपेसिटी, हमारी वक्ष गुहा की कैपेसिटी कम होती है, इसीलिए ऊपर जाने पर ऊपर एयर भी कम है, ऑक्सीजन कम है, तो ऐसे में हमारे फेफड़े कम ऑक्सीजन ले पाते हैं, जिससे घबराहट, चक्कर आना, बेचैनी होना, वॉमिटिंग होना, ऐसे जो लक्षण दिखाई देते हैं इसी को कहते हैं पर्वत रोग। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए आप लोग। पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण आप देख रहे हैं, पराग कण पौधों में होता है और आप भी जानते हैं पराग कण का निर्माण, पराग कोश, आपने एक नाम सुना था पुंकेसर, पुंकेसर का जो सब में ऊपर का हिस्सा होता है बेटा उसी को कहते हैं पराग कोश, और पराग कोश में ही होता है पराग कण का निर्माण। तो आंसर हुआ ए, पराग कोश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे जतन सिंह, फिर आप पुतंतु लिखते हो। दिनेश कुमार वेरी गुड, सोनू गुड, आंसर है पराग कोश। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पुष्प के पुंकेसर को नष्ट करना क्या कहलाता है। देखो किसी पुष्प के पुंकेसर, पुंकेसर का मतलब नर जननांग, उसको काट दिया या नष्ट कर दिया, आप जानते हैं मेंडल ने अपने प्रयोगों में पुंकेसर काटे थे, तो पुंकेसर को काटना या नष्ट करना, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है आप देखें, तो पुंकेसर को नष्ट करना क्या कहलाता है। आप डी ऑप्शन पर जाइए, डी विपुंसन, यानी आपने विपुंसन, आपने पुंकेसरों को काट दिया, तो आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का, वेरी गुड, बहुत बच्चे दे रहे हैं डी। आप सभी का नौकरी जंक्शन में स्वागत है और हमारे जो ये सुपर 30 चल रहे हैं, मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको हम ला रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे पुराने जो सुपर 30 क्वेश्चंस हैं उनको जरूर देखें। आइए
क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने मौजूद है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पार्थेनोकार्प फल है। पार्थेनोकार्प जिसको आप हिंदी में कहते हो अनिषेक फल, अनिषेक फल, आपने पढ़ा था कि ऐसे फल जो बिना निषेचन के ही तैयार हो जाते हैं। ओके तेज सिंह, आयुष्मान, आयुष्मान दिनेश जी, ऐसे फल जो बिना निषेचन के तैयार हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अनिषेक फल या पार्थेनोकार। और आप देख रहे हैं प्राकृतिक रूप से यहां पर जो केला है वो बिना निषेचन के ही होता है, सी ऑप्शन, केला। आप भी जानते हैं अनिषेक फलों में बीज नहीं होते। अब आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, अमरूद, आम, सेब और केला, तो बीज सब में इनमें तो बेटा सी, केला, वेरी गुड। ओके दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन है, गैसीय हार्मोन। आप भी जानते हैं पौधों में कई हार्मोन्स आपने पढ़े थे, फाइटो हार्मोन्स, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एथाइन, उक्त सभी आपको मालूम है पौधों में पाए जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन एथिलीन है, बी ऑप्शन है, बी एथिलीन। और आप जानते हैं एथिलीन जो है वो पौधों में पाए जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन तो है ही, और ये पौधों में फलों को पकाने का काम करता है। एथिलीन का पौधे में क्या काम है? फलों को पकाने का। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं सी लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, नहीं दादा नहीं। ओके दोस्तों, अरविंद मीना, ए नहीं, एथिलीन। आइए क्वेश्चन नंबर 15, 2, 4, D। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, 15 देखें आप, 2, 4, D एक है। आप भी जानते हैं 2, 4, D एक कृत्रिम ऑक्सीन हार्मोन है और ये हमारे खेतों में काम आने वाला एक इंपॉर्टेंट पदार्थ है 2, 4, D। आप भी जानते हैं 2, 4, D खेतों में खरपतवार नाशक के रूप में काम में लिया जाता है, यानी खेत में जो अनचाहे पौधे होते हैं उन पौधों को हटा देता है, यानी खरपतवार नाशक है 2, 4, D। ओके, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसका पूरा नाम है बेटा डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, सी खरपतवार नाशक। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल है आपके लिए, क्योंकि आप सब बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, वृषण में क्या उत्पन्न होता है? वृषण में क्या उत्पन्न होता है? आप भी जानते हैं वृषण या टेस्टीज नरों में पाए जाने वाली जनन ग्रंथि है, और वृषण में यानी नरों में क्या उत्पन्न होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, बीज, बीजाणु, अंडाणु, शुक्राणु। आपको भी मालूम है बीज, बीजाणु ये तो पौधों के शब्द हो गए, अंडाणु अंडाशय में बनता है दोस्तों, तो 16वें का आंसर क्या हुआ? वेरी गुड, लगाई जाइएगा, शाबाश शाबाश, राम बाबू, राजू, राजेंद्र, वेरी गुड, सोनू, जेके, मनीष, विक्की, वेरी गुड, सभी लगा दो, डी शुक्राणु। और आप ये भी जानते हैं वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये मिस्टर कृष्णा लिख रहा है, सर नेट नहीं आ रहा है, सर अब हिंदुस्तान में 5G आ रहा है, आपका गांव किधर है जरूर आप उसको लिखें और अपने निकटतम अधिकारी को संपर्क करें। ओके दोस्तों, यस नेट आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से बाह्य निषेचन किस जंतु में होता है? आप सब जानते हैं अंडाणु और शुक्राणु के संयोग को हम कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन ये कह रहा है बाहर किस में होता है, शरीर के बाहर। तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, मछली,
समुद्री गाय, दरियाई घोड़ा और पक्षी। तो मैं समझता हूं सारे बच्चे ऑप्शन देखें और ए मछली पर निशान लगाया जाए। मछली, ओके। मछली पर निशान लगाया जाए। मछली में बाह्य निषेचन होता है। समुद्री गाय आप जानते हैं स्तनधारी जंतु है, दरियाई घोड़ा स्तनधारी जंतु है, पक्षी स्तनधारी, इन सब में अंत निषेचन होता है। ए मछली, वेरी गुड, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, प्लेसेंटा या अपरा, इनमें से किसमें पाई जाती है? आपने पढ़ा है ना प्लेसेंटा क्या होता है, आप जानते हैं प्लेसेंटा या अपरा? भ्रूण और गर्भाशय मिलकर एक नई संरचना का निर्माण करते हैं, उस संरचना को हम कहते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा भ्रूण को श्वसन, पोषण, उत्सर्जन आदि क्रियाएं करवाता है। तो प्लेसेंटा केवल उन्हीं में मिलेगा बेटाओ। प्लेसेंटा सर मोर में भी तो होता है। देखो एक बच्चा लिख रहा है, थोड़ा रोकूंगा मैं आपको। मैंने कहा बाह्य निषेचन, तो बच्चा कह रहा है मोर में होता है। बेटा मोर पक्षी है, और पक्षी जितने भी हैं सब में अंत निषेचन होता है, अंत निषेचन। इसलिए आपको कहीं वो गलत लाइन याद हो ना कि वो सर आंसू से होता है मोर में, तो ऐसा मत बोलना बेटा, दोबारा सब हंसेंगे यहां पर। गलत बात, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, यूट्यूब चैनल पर आप इस समय जवाब दे रहे हैं। नहीं, आइए 18वां, प्लेसेंटा या अपरा किस में पाई जाती है? तो मैं समझता हूं दोस्तों, प्लेसेंटा या अपरा स्तनधारी जंतुओं में। जो बच्चे देने वाले मादाएं हैं वो आप भी देख रहे हैं, केवल आपके सामने सी है, ऑप्शन सी, स्तनधारी मेमेलिया। तो मेमेलियंस की जो मादाएं होती हैं वही बच्चे देती हैं और उन्हीं में ये होता है। ओके, प्लेसेंटा या अपरा स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। एक बालक कह रहा है सर उत्तर देने से पहले आपका उत्तर आ रहा है। बेटा देखते रहो, जल्दी करिए आप, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है और आप जानते हो जो टाइम निकलता है वो लौट के कभी नहीं आता। टाइम की कद्र करें आप भी और हम भी। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 19, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत फेमस, बार बार एग्जाम में दिखा हुआ क्वेश्चन। जनसंख्या के अध्ययन का विज्ञान है, आप भी जानते हैं जनसंख्या का विज्ञान। इनमें से आपको दिख रहा है, ऑप्शन दे रखे हैं, डेमोग्राफी, कार्टोग्राफी, एंडोग्राफी, जीरेंटोलॉजी। तो मैं समझता हूं आप ऑप्शन नंबर ए पर आइए, ए डेमोग्राफी, वेरी गुड, डेमोग्राफी। एक बालक कह रहा है कार्टोग्राफी, तो वो बालक ध्यान से सुन ले बेटा, कार्टोग्राफी नक्शे का विज्ञान होता है, जीरेंटोलॉजी बुढ़ापे का विज्ञान होता है। शानदार, वेरी गुड, डेमोग्राफी, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, सजीवों का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? सजीवों का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? आप देख रहे हैं ऑप्शन, आपके सामने ऑप्शन आ गए हैं बेटा, लेमार्क, लिनियस, लेवेशियो, हुगो डी ब्रिज। आपने पढ़ा है ना सबने, कैरोलस लिनियस ने सजीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति की खोज की थी, इसीलिए सजीवों का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो आंसर लगाइए बी, कैरोलस लिनियस। बीएस टेक्निकल एजुकेशन, वेलकम सर, वेलकम बच्चों सिंह, वेलकम। लेट आए हो भाई साहब, वेलकम, फिर भी बहुत लेट हो आज, ऐसा लगता है बारिश ज्यादा हो रही है आपके एरिए में। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम चलें। क्वेश्चन नंबर 21,
हमारे सभी पेपरों में ये नाम आता रहा है, मेंडल मेंडल। आज फिर मेंडल आपके बीच में है, पूछ रहा है मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ। आप भी जानते हैं ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकता का जनक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स आप कहते हैं। उद्यान मटर या पाइसम सटाइबम पर इन्होंने प्रयोग किए थे, आनुवंशिकता का जनक कहलाए थे। मिस्टर मेंडल साहब, अब प्रश्न आ रहा है मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ। मैं समझता हूं आपको वो याद होना चाहिए कि मेंडल का जन्म 1822 में हुआ और मृत्यु 1884 में हुई, तो 1800 यानी 18वीं शताब्दी। शानदार, बहुत अच्छे जवाब आपके, वेरी गुड। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही जवाब देते रहिएगा। बी, 18वीं सेंचुरी की बात है, 1882, सॉरी 1822 में इनका जन्म हुआ था, 1884 में इनकी डेथ हुई थी, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 22, तेसिंग आंधी आ रही है। बेटा कहाँ आ रही है आंधी? ये तो बहुत डरावना सीन आ रहा है आपका। आंधी कहाँ आ रही है? तेज सिंह अपना परिचय दीजिए और बताइए आंधी कहाँ चल रही है। जी ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? आप जानते हैं जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? देखो बहुत सारे बच्चे गलती कर गए, मेंडल को देख रहे हैं बार बार। नो, मेंडल आनुवंशिकता का जनक है माना, लेकिन जेनेटिक शब्द मेंडल ने तो नहीं दिया भाई। वेरी गुड, वैटसन, ऑप्शन लगाया जाए ए, वैटसन। ओके, वैटसन पे लगाए बच्चू भाई, रामकेश जी। ओके वैटसन, तेज सिंह फ्रॉम जैसलमेर। ओ बेटा ध्यान रखना, जैसलमेर में पूरी राजस्थान गवर्नमेंट वहीं बैठी हुई है हमारी। शानदार तेज सिंह, तेज सिंह अपने नंबर भी डालना, अभी बात की जाएगी आपसे। आइए क्वेश्चन नंबर 23, जीवाणु से तैयार इंसुलिन को कहा जाता है। आप भी जानते हैं इंसुलिन यूं तो हमारी अग्नाशय ग्रंथि से उत्पन्न होता है, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है, जिनको मधुमेह है, उन लोगों में इंसुलिन की कमी होती है। आप भी जानते हैं जिन लोगों में इंसुलिन की कमी है उन्हें इंसुलिन देना पड़ेगा और हमें इंसुलिन बनाना पड़ेगा। तो आजकल ओके तेज सिंह, वीएस टेक्निकल जी सर ओके, आप भी जानते हैं आजकल इंसुलिन चाहिए हमको, डायबिटीज के मरीज को देना है, और आजकल इंसुलिन जीवाणुओं से तैयार हो रहा है, खास करके ई कोलाई जैसे जीवाणु इंसुलिन तैयार करते हैं। चूंकि ये ह्यूमंस बॉडी के काम आता है, इसीलिए ना ऑप्शन ए देखें आप, ह्यूम्यूलिन। वेरी गुड, ह्यूम्यूलिन, दिस इज ए इंसुलिन मेड बाय बैक्टीरिया ई कोलाई, जीवाणु के द्वारा तैयार एक प्रकार का इंसुलिन है, ह्यूम्यूलिन। ओके दोस्तों ओके, क्वेश्चन नंबर 24, वर्णांध व्यक्ति मतलब कलर ब्लाइंड, वर्णांध व्यक्ति किन रोगों में भेद नहीं कर पाता है? आप जानते हैं ना वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, दिस इज ए आनुवांशिक रोग। और आपको मालूम है ये जो आनुवांशिक रोग है इसमें व्यक्ति रंग नहीं पहचान पाता है। और हमारा जो पुराना वीडियो है जिसमें हमने नेत्र की चर्चा की है उसमें आप ज्यादा डिटेल पढ़ पाएंगे। अभी तो मैं ये कहूंगा कि जो कलर ब्लाइंड है वह व्यक्ति लाल और हरा रंग नहीं डिफरेंस कर पाता है, उनमें भेद नहीं कर पाता है। ओके दोस्तों वेरी गुड, ए ए ए, लाल व हरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? 25 पे आइए आप देख पा रहे हैं हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन
प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में। देखिए, हमारी कोशिका में प्रोटीन कहाँ बनेगा? तो कुछ बालक जवाब दे रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में तो भोजन का ऑक्सीकरण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो श्वसन केंद्र है। लाइसोसोम ये काम नहीं करेगा, वो तो पाचन संबंधी काम करता है। ऑप्शन है बेटा और डी, राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए आप जानते हैं राइबोसोम को, इसीलिए राइबोसोम को कोशिका का इंजन भी कहते हैं, कोशिका का इंजन। वेरी गुड। नेक्स्ट देखें आप, 26। 26, भोजन श्रृंखला में, बहुत आराम से पढ़े आप जी, एसएससी में था ये, सीजीएल में था ये क्वेश्चन। देखें आप, भोजन श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, आपने पढ़ा है, आपको हमने इकोलॉजी जब हम पढ़ा रहे थे, इकोसिस्टम, तब हमने आपको पढ़ाया था, इकोसिस्टम में ये सब आते हैं बेटा। आप देखें, भोजन श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, नो नो, प्राथमिक उत्पादक तो पौधे होते हैं बेटा, यहां तो शाकाहारी जंतुओं की बात चल रही है। शाकाहारी जंतु आप जानते हैं अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, और जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो यहां पर 26वें में होगा ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि जंतुओं को कहते हैं उपभोक्ता, पौधों को कहते हैं उत्पादक। वेरी गुड, शानदार। तेसिंग अपना कमेंट जरूर लिख दीजिएगा आप, क्या आपकी प्रॉब्लम है, कोई डाउट था आपको, आप जरूर कमेंट करिएगा। हमारे व्हाट्सएप पर भी आप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, वहां से आप व्हाट्सएप पर अपने मैसेज, अपनी कंप्लेंट, अपनी शिकायत, आपका डाउट जो भी है वो भेजिए, बिल्कुल हम नहीं चाहते। शानदार। सुरेश मीना, आप नौकरी जंक्शन पर जाकर हमारे सभी वीडियोस जी, साइंस वहां लिखेंगे आप साइंस, तो साइंस के जितने वीडियो अभी तक गए हैं वो सब आपको मिलेंगे। और रोजाना 8 बजे शाम को हम लाइव टेस्ट के साथ आपके बीच में मौजूद रहते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 आइए। 27 आप देख रहे हैं, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम, मधुमक्खी, एपिकल्चर, एपिकल्चर वहीं से समझ में आ जाएगा। वेरी गुड, लग गए आंसर, शानदार। ये सुरेश बैरवा क्या लिख रहा है बेटा, ए ए ए क्या गलत लिख रहा है सुरेश बैरवा, लैसी फेरा से थोड़ी आएगा, एपीस, चूंकि एपिकल्चर तो एपीस मधुमक्खी का नाम हो गया, एपीस। ओके नेक्स्ट, 28 मधु दलाल आप लिख रहे हैं, या ये इंग्लिश में नहीं हो सकता क्या सर, ये पर्सन? नो बेटा, ये हिंदी मीडियम है, हिंदी चैनल है, और खास करके ये रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट हैं, तो इनका मीडियम सबका हिंदी है, और ये मोस्टली बच्चे साइंस वर्क से नहीं होते, इसलिए इन्हें हिंदी मीडियम से ही पढ़ाया जाता है। जी, ओके ओके, थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखें आप, 28, बीसीजी में बी का अभिप्राय है, आप भी जानते हैं बीसीजी टीका है, और ये खास करके बच्चों को टीवी से बचाने के लिए, क्षय रोग, बच्चों को क्षय रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। अब बीसीजी का पूरा नाम आपने पढ़ा था, वेसिलस कैलमीट गुवेरिन, वेसिलस कैलमीट गुवेरिन। तेज सिंह, सारे कमेंट आपके शो हो रहे हैं, हम देख पा रहे हैं बिल्कुल।
आप अपने कमेंट भेजिएगा। थैंक यू। बीसीजी में बी का मतलब है, ऑप्शन देख रहे हैं आप, ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी ब्रिटेन, डी वेसिलस। वेरी गुड, आंसर लगाइए डी वेसिलस। वेसिलस, वेरी गुड। शानदार। 28, 29, 29 सुरेश जी, ये बायोलॉजी चल रही है, इसके बाद में हम केमिस्ट्री लाएंगे, इसके बाद में हम फिजिक्स लाएंगे, और हमारी आप जो क्लासें हैं उनकी वीडियो डाउनलोड करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29, अल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग है, अल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग है, आप भी देख पा रहे हैं अल्कोहल हमारी बॉडी के कौन से पार्ट्स को ज्यादा इफेक्टिव करेगा, तो आप देख रहे हैं अल्कोहल सॉरी हमारे यकृत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यकृत, आपको मालूम है शराब पीने वाले लोगों को लीवर सिरोसिस नामक बीमारी होती है, लीवर सिरोसिस यानी ए यकृत। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, वेलकम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया, आप जानते हैं दोस्तों स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स के द्वारा काम में लिया जाता है, और खास करके हृदय की धड़कन को सुनने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसकी खोज किसने की, तो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, फर्स्ट ए रेने लिनेस, ए रेने लिनेस। ओके, थैंक यू दोस्तों, ये आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।